बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हुई है, जो कि टीचर्स की जॉब है। आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी की सारी डिटेल आज की वीडियो को में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने आज दुरूद शरीफ़ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपके सामने जो पोस्ट शो हो रही होगी वो होगी फीमेल टीचर जॉब 2022 अनाउंस फॉर फीमेल। तो आपने जस्ट इसके ऊपर आना है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको इधर से मिल जाएगा, और इसका जो तरीक़ेकार है वो भी सारा का सारा आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो आपने रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है, तो इनकी जो भी डिटेल होंगी वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी इजीली। तो अब आपको इसमें आसानी क्या है कि आपको यहाँ पे इसके साथ साथ उर्दू में भी सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपकी आसानी की खातिर इस वेबसाइट पे उर्दू में भी वही डाटा अवेलेबल है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अब मैं इसकी जो डिटेल आपको बता दूँ, इसकी जो अनाउंस डेट थी वो 30/1/2022 थी, और लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 12/2/2022 है। और इसमें जेंडर जो है वो फीमेल है, ठीक है, फीमेल के लिए है ज़्यादातर। और इसके बाद है ड्राइवर में जो है वो मेल भी हैं, ठीक है। तो अब आपने इसमें एजुकेशन की जो डिमांड है वो मिडल BS, BEd और MEd है। जॉब्स जो है इसमें टीचर्स है और मल्टीपल जॉब्स हैं, ऑल है। तो डोमिसाइल जो इसमें रिक्वायर्ड है वो ऑल पाकिस्तान है। जॉब की कैटेगरी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जॉब टाइप फुल टाइम है। जेंडर मेल और फीमेल दोनों हैं। और एज की जो लिमिट है वो आप एडवर्टाइजमेंट पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इस तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके डोमिसाइल हो गया, आईडी कार्ड हो गया, और एजुकेशनल जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होगी वो इसके साथ साथ एक CV भी होनी चाहिए। और इसमें जो पोजीशंस हैं, जो जो पोस्टें अवेलेबल हैं, उनमें टीचर आया यानी कि ड्राइवर और नर्स की हैं, ठीक है। तो आपने अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट हैं वो इस एड्रेस पे अपनी डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए। तो बाकायदा बाकी जो डिटेल हैं वो आप इधर से देख सकते हैं, जो भी इनकी डिटेल है आप इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। यू कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिक हेयर। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो जस्ट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हम इसको ओपन करते हैं, तो जो भी इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें आप इसका प्रिंटर निकलवा लें, ठीक है। और उसके बाद आप इसको इसमें अपनी जो पिक्चर है वो ऐड कर दें, और इसके नेम, फादर नेम, ठीक है, डोमिसाइल जो भी है, तो आपने वो वाला आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, जिसका भी है आपका, तो वो आपने डोमिसाइल इधर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है, और इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बता देनी है, और 17 दिसंबर 2019, ठीक है, ये ओल्ड है, तो आपने इसको जो है ना वो कर लेना है, स्किप कर लेना है। और इधर आपने जब आप फ़ोटो कापी निकलवाएं इसकी, तो आपने इधर से इसकी जो एज की लिमिट है ना वो आपने फरवरी तक कर लेनी है, ठीक है। तो ये ओल्ड है। तो इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो वेबसाइट का नाम भी बता दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का होगा वो छड़ा, सिर्फ जो उसमें जो तब्दीली होगी वो सिर्फ ये वाली डेट की होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस देना है, ये एक तरह का मैंने आपको सांचा बताया, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है, पर्सनल कॉन्टैक्ट देना है, फ़ोन नंबर, और आपके जो एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं वो आपने इधर मेंशन कर देनी है, और आपने सर्टिफिकेट जो भी अवार्डेड हैं आपके वो भी आपने इधर बता देने हैं। तो ये वाला उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और आपने उस मुतलका एड्रेस के ऊपर अपनी ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर देनी है। तो उसके बाद आपको कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए, मज़ीद
बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।